Hello students of class 4. Today I am going to explain a new chapter in AVS chapter 21. Chapter name is Food and Fun. That means Khana or Masti. Okay students. So students, this is a story of Divya and Swastik who stay in a boarding school and has come to their home in holiday. तो बच्चों आज हम EVS का 21 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फूड एंड फन मतलब खाना और मस्ती। इस स्टोरी में ये दिव्या और स्वास्तिक की स्टोरी है जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं और आजकल अपनी छुट्टियों में वो अपने घर आए हैं। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स सी। ट्रिंग द डोर बेल रंग। When Manpreet opened the door, she saw Divya and Swastik there. Ring करके दरवाजे की घंटी बजी है और जब Manpreet ने दरवाजा खोला तो उसने दिव्या और स्वास्तिक को वहां पाया या वहां देखा। She called out excitedly, Gurnoor, look who has come. उसने गुरनूर को खुशी से आवाज लगाई। Excitedly means होता है खुशी से। गुरनूर, देखो कौन आया है। गुनूर केम रनिंग। गुनूर भी दौड़ के आई। When she saw her friends, she hugged them happily. जैसे ही उसने अपने फ्रेंड्स दिव्या स्वास्तिक को देखा उसने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। When did you come from the hostel, boarding school? गुनूर ने पूछा कि तुम बोर्डिंग स्कूल से हॉस्टल से कब आए। तो स्वास्तिक ने आंसर दिया है या दिव्या ने आंसर दिया है, जस्ट यस्टरडे, बस कल ही। वेयर आर योर पेरेंट्स, वी वांट टू मीट देम, स्वास्तिक सर। स्वास्तिक कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। दे आर एट द गुरुद्वारा। वी वेयर अबाउट टू गो देयर टू, गुरनूर रिप्लाई करती है कि वो लोग गुरुद्वारा गए हैं और हम लोग भी वहां जाएंगे। ओ गुड, वी विल आल्सो कम विद यू, सेड दिव्या। दिव्या कहती है अरे अच्छा, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। यू कम होम ओनली इन द वेकेशन, डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल, यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क। फिर गुरनूर पूछती है तुम केवल अपनी छुट्टियों में ही घर आते हो, तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद है, तुम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करते, ये गुनू उनसे पूछती है। दिव्या सेड, वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज अ फन। दिव्या कहती है कि हाँ मैं उन्हें मिस करती हूँ बट हॉस्टल लाइफ भी एक का अलग ही मजा है। इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी एंजॉय ईटिंग टूगेदर With all the children, लेकिन यहाँ तक कि अगर खाना रोज हमेशा अच्छा ना ही बना हो, लेकिन हम लोग जब हॉस्टल में सारे बच्चे एक साथ खाते हैं, साथ साथ मिलकर खाते हैं, तो हम उस चीज को enjoy करते हैं, ठीक है? You know, when someone in your hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. The food finish within 1 minute. Swastik said laughingly. स्वास्तिक हंसते हुए कहता है तुम्हें पता है कि जब हॉस्टल में किसी के घर से बना हुआ खाना आता है तो हम सब लोग उसके रूम की तरफ चले जाते हैं और वो खाना 1 मिनट में ही खत्म हो जाता है। ये स्वास्तिक लाभ हंसते हुए कह रहा है, ठीक है? तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हम अलग से कर लेंगे। सेकेंड टॉपिक है आपका एट गुरुद्वारा। अब गुरुद्वारे में The children chatted all the way to the Gurudwara. बच्चे गुरुद्वारा के रास्ते में जाते हुए बातचीत कर रहे हैं। There they covered their heads. वहां जाते हैं, उन्होंने अपने जो सिर है उसको ढक लिया है। जब गुरुद्वारे में एंट्री करते हैं तो गुरुद्वारे में एंट्री करते ही आप अपने सिर, वुमन है, मैन है या
चिल्ड्रन है, सब लोग अपने कवर, सिर कवर कर लेते हैं। ओके, तो गुरुद्वारा होता क्या है बच्चों, आपको पता होगा गुरुद्वारा इट इज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्कशिप ऑफ सिख पीपल। तो जैसे सिख हिंदू लोग टेम्पल में अपने प्रेयर करते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में करते हैं, ऐसे ही सिख्स जो पीपल होते हैं वो उनका जो प्रेयर का स्थान होता है गुरुद्वारा होता है। ओके, तो दे वेंट इन टू द किचन ऑफ गुरुद्वारा, इट वॉज वेरी ह्यूज। वो लोग गुरुद्वारा की किचन में गए, वो बहुत बड़ा था। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर, बहुत सारे एक्टिविटी वहां पे चल रही थी। फूड वॉज बींग कुक्ड इन ह्यूज वेसल ऑन वन साइड, चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग। जो खाना तो बड़े बड़े बर्तनों में बनाया जा रहा था, एक साइड में चना दाल और उड़द दाल बॉइल हो रही थी। एंड अनदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल्स वॉज बींग मेड, और दूसरे वेसल में क्या था, फूल गोभी और आलू की सब्जी बन रही थी। देयर इज योर पापा गुरनूर, गेट लेट्स अस गो मीट हिम। स्वास्तिक से, स्वास्तिक कहती है, स्वास्तिक गुरनूर की फादर को देखती है किचन में और कहती है गुरनूर देखो वो तुम्हारे पापा हैं, चलो उनके साथ उनके पास जाए उनसे मिले। What are you doing here? Manjeet Singh was happy to see the children. Manjeet Singh बच्चों को देखता है और पूछते हैं What are you doing? बच्चे बच्चे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे बच्चों को देखे वो खुश होता है। Uncle, can we also help in the kitchen? What are you preparing? Swastik ask. स्वास्तिक पूछते हैं अंकल क्या हम लोग आपके किचन में हेल्प कर सकते हैं और आप लोग क्या बना रहे हो? मंजीत सिंह सर आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। मंजीत सिंह कहते हैं कि मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ और इसमें बहुत एफर्ट लगता है, बहुत समय लगता है और ये बड़ी कढ़ाई में आटे को घी के साथ रोस्ट किया, देर तक रोस्ट किया जाता है। This is a kind of halwa. It's not it. When you will you add sugar in it? Divya asks. Divya पूछती है कि ये एक प्रकार का हलवा ही है या नहीं? और इसमें आप शुगर चीनी कब मिलाओगे? देशवा मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर। वो फिर उसके बाद वो मनप्रीत की मदर को देखते हैं और उनको मिलने चले जाते हैं। Divya asks, What are you doing, आंटी? Divya पूछती है आंटी आप लोग क्या कर रहे हो? आंटी कहती है बेटा वी आर रोलिंग चपाती टू बेक देम इन दिस तंदूर, सो मैनी चपाती एट वन गो। दिव्या वाज सरप्राइज। तो आंटी कहती बेटा हम लोग चपाती को रोल कर रहे हैं और उसके बाद उसको तंदूर में बेक किया जाएगा, पकाया जाएगा। तो तंदूर होता क्या है बच्चों, तंदूर एक सिलेंडर शेप का बना मिट्टी का ओवन होता है जिसमें हम रोटियों को चपाती इसको डालते किनारे साइड से डालते हैं और जो उसमें नीचे कोयले होते हैं, चारकोल होता है उसकी वो भाप से ही गर्माहट से वो बन जाती है। तो दिव्या ये सारी इतनी सारी चपाती को एक साथ जाते हुए देख कर उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कैन आई हेल्प, शो कम एंड ट्राई। तो दिव्या कहती है क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? तो आंटी कहती है हाँ जरूर आ जाओ तुम भी ट्राई करो। Here everyone can help, और गुरुद्वारे में हर कोई सहायता कर सकता है। But wash your hand first, reply auntie. लेकिन आंटी कहती है सबसे पहले तुम अपने हाथ धो के आओ। दिव्या washed her hands and joined the group near the tawa. दिव्या अपने जल्दी से अपने हाथ धो के आती है और तवे के जो पास वाला ग्रुप होता है उसको ज्वाइन कर लेती है। The tawa was very hot. तवा बहुत गर्म था। She started applying ghee on the chapati as they were being taken out of the tawa. जैसे तवे से रोटियां निकल रही थी तो उसने घी लगाने वाला काम शुरू कर दिया चपाती पे। स्वास्तिक wonder a lot who brings all the material to cook so much food. स्वास्तिक ये इसको देखे बड़ा उसको आश्चर्य था कि इतने सारे खाने के लिए आटा चावल गेहूँ दाल जितना भी मटेरियल खाने में लगता है, खाने पकाने में लगता है, ये कौन लेके आता है? वन ऑफ द लेडीज आंसर एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट इन सम वे और अदर सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर हेल्प इन अवर वर्क।
एक आंटी होती जो ग्रुप में आंसर देती है कि बच्चों की यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करता है। कोई लोग सामान अरेंज करने में करते हैं, कोई लोग पैसा देते हैं और कोई लोग उनकी हेल्प करते हैं काम करने में। ओके, तो यहाँ पे हर कोई मिलके कंट्रीब्यूट करके ये सारे काम करते हैं। सो स्वास्तिक, हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुक बिफोर, टीज मनप्रीत। मनप्रीत उसे चिढ़ाते हुए कहता है स्वास्तिक को, तो अच्छा स्वास्तिक बताओ तुम्हें कैसा लगा ये, और कभी तुमने इससे पहले कभी तुमने खाना बनाया है। नो बट आई एम इंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन, सेड स्वास्तिक। स्वास्तिक कहता है नहीं लेकिन मुझे ये सब काम करने में मजा आ रहा है। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड, चपाती, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर सो फास्ट। और मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि इतना सारा खाना, चपाती, राइस, हलवा, दाल, वेजिटेबल, इतनी जल्दी कैसे बन गया है। आफ्टर अरदास, कड़ा प्रसाद वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, सम ऑफ द बॉय क्विकली लेड आउट द रीज इन द बरांडा एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव लंगर। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, एवरीवन एट टुगेदर। तो अरदास के बाद, प्रेयर के बाद जो कड़ा प्रसाद था बना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और कुछ जो बच्चे होते हैं जल्दी से बरामदे में दरिया बिछा दे उनका काम शुरू कर देते हैं, दरिया बिछाते हैं, और कुछ और लोग उसमें पंक्ति में लंगर खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो कुछ लोग फिर खाना सर्व करते हैं और कुछ लोग पानी सर्व करते हैं, और हर कोई एक साथ खाना खाता है लंगर में। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड वन अप वंस ओन प्लेट्स एंड पुट इट अ बिग ड्रम। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल। हर कोई क्या होता है उसके बाद, खाने के बाद जब अपना खाना फिनिश कर होता है तो हर कोई अपनी प्लेट को उठा के एक बड़े बिग ड्रम में डाल देता है, और जिन लोगों ने खाना सर्व किया था वो सबसे लास्ट में खाते हैं, और उसके बाद वो उस जगह को अच्छे से, बर्तनों को और जगह को अच्छे से वॉश करते हैं, साफ करते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर, यहाँ पे देखो यू कैन सी दिस पिक्चर्स। ये लंगर, ये किचन है गुरुद्वारे का, जहाँ पे लोग अलग अलग सब मिलके काम कर रहे हैं, इस टाइप के बाद में बैठ के लंगर खा रहे हैं। तो लंगर क्या होता है, लंगर में लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, और वहाँ पे कोई भी खाने का चार्ज नहीं लिया जाता है, लोग अपनी इच्छा से वहाँ पे गुरुद्वारे में पैसे देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका चैप्टर फूड एंड फन फिनिश हो गया है। तो स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।